आज मैं आई हूँ रानी बाग घूमने के लिए, तो मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाली। पहले भी मैं आई थी, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो अभी कैसा हाल, उस टाइम बहुत बंद रहा था, कल मुझे चेक करना है पूरा कि कितना अच्छा बना है। तो अभी मैं जस्ट पहुँची हूँ यहाँ पर, टिकट लेने जा रही हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। आप टिकट की प्राइसेस देख सकते हो यहाँ पे सामने, और ये वेनसडे को बंद रहता है, मंडे टू संडे ओपन रहता है, और इसकी टाइमिंग होती है मॉर्निंग में 9:30 और शाम में 6 बजे तक ये ओपन रहता है। हमने टिकट ले लिया है, अभी हम अंदर जा रहे हैं। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे तो आपको राइट साइड में एलिफेंट दिख जाएगा। मैं जब लास्ट टाइम आई थी, अपने मैंने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे रानी बाग के, उस टाइम पे एलिफेंट बहुत ज़्यादा थे। इस बार मुझे सिर्फ एक ही ये वाला एलिफेंट दिखा, और आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे इंक्लोजर्स बने हुए एनिमल्स के लिए। अभी हम स्लॉथ बेयर के इसमें जा रहे थे, आप देख सकते हो स्लॉथ बेयर ये सो रहा था हमने एकदम सामने, और इस टाइप के जो वॉल मिरर बना दिया है ये, इस टाइप की वजह से बहुत ज़्यादा लगता है कि आपके सामने ही बैठा। केज जब था पुराने टाइम में, जब रानी बाग में, तो बहुत दूर दूर दिखाई देती थी एनिमल्स, लेकिन अभी जब से ये मिरर वॉल लगा है, तब से आप देख सकते हो कि एकदम सामने ऐसा लगता है कि एकदम आपके सामने ही लेटा हुआ है। और मैं दोपहर के टाइम आई थी, कैसे सब खाना वाना खा के सब एनिमल्स एकदम आराम कर रहे थे। तो हमने जितने भी ऑलमोस्ट एनिमल्स देखे, ज़्यादातर सब आराम ही कर रहे थे, सो रहे थे। आप देख सकते हो, अब इन्फॉर्मेशन भी मेंशन है इस टाइप में, और ये इस टाइप के दो थे, स्लॉथ बेयर एक काफ़ी दूर था और ये एकदम जस्ट मिरर के सामने था, और ये टाइगर की टेरिटरी के हम लोग यहाँ जा रहे थे। और ये पूरा अच्छे तरीके से बना दिया, इस टाइप के बहुत सारे इन्क्लोजर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वही वॉल मिरर के। और देख सकते हो अब सो रहा था टाइगर भी, तो बेटर है कि आप दोपहर में आ रहे हो तो आप दोपहर में थोड़ा लेट आइए, 3-4 बजे ही, और सैटरडे संडेज़ को आप अवॉइड करिए आना, क्योंकि सैटरडे संडेज़ को वीकेंड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। आप प्रॉपरली कोई एनिमल देख नहीं पाओगे, वीकडेज़ पे आओगे तो चांसेस ज़्यादा है। और आप लंच टाइम के टाइम पे मत आइएगा, बेटर है मॉर्निंग में 9:30 to 12 o'clock के बीच में आइएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हिप्पोपोटामस वगैरह बहुत कुछ सारे एनिमल्स थे, और हम लोगों को लिटरली बहुत अच्छा लगा इस टाइप से, क्योंकि पहले जो रानी बाग था वो काफ़ी सारे डिफरेंट था, केजेस के अंदर रहते थे, उसको देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी जो इन्होंने इन्क्लोजर मेंटेन किया है जंगल की जैसा पूरा, मतलब थोड़ा रिलेट करने के लिए थोड़ा वैसा एटमोसफियर बनाया जंगल के जैसा, तो अच्छा लग रहा है वो देख के एनिमल्स को। वैसे अभी काफ़ी सारे एनिमल्स के इन्क्लोजर्स बन रहे थे, तो काफ़ी सारे एनिमल्स अभी और आना बाकी है। जैसे कि रानी बाग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हर एनिमल के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, तो पढ़ सकते हो, सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और ये सांबर थे यहाँ पे, आप देख सकते हो, और उसका एनक्लोजर कितना अच्छा बनाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, कि बिल्कुल उन्होंने जैसे एनिमल को जैसा एटमोसफियर चाहिए, जैसे एनक्लोजर चाहिए, वैसे एकदम बनाया है। और आप देख सकते हो हिप्पोपोटामस, ये सब उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल पॉइंट टाइप बनाया, उसमें ये सो रहे थे। अब और आप आराम से घूम सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मॉर्निंग में आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे सारे एनिमल्स। उस टाइम पे क्या रहता है, गाइस थोड़े एक्टिव रहेंगे तो आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस टाइप का ये पूरे मंकीज़ थे, डिफरेंट टाइप्स के मंकीज़ थे, इनका ये पूरा एनक्लोजर था, आप देख सकते हो। और जो 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 मंकी रखे हैं यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल में लिखा भी है साइड में, बहुत डिफरेंट टाइप्स के थे। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिएगा, वरना लाइक तो कर ही दीजिएगा। आप देख सकते हो सांबर मुझे वापस से मिल गए थे खाते हुए, तो मैंने कैप्चर कर लिया। अभी मैं आईना वाले लेपर्ड को देखने जा रही हूँ, अब देखते हैं कि ये सो रहे कि नहीं। इस टाइप का कुछ बना रखा था इन्होंने पूरा वुडन का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। और ये स्ट्रिप्ड हाइना थे, और उसके बारे में मेंशन है, आप देख सकते हो ये भी सो रहे हैं, इसलिए दोपहर में मत आइएगा, आपको सब चीज़ें सोती भी मिलेगी और आपका आना वेस्ट हो जाएगा। बेटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में आइए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम चले गए चीता को देखना, चीता तो बहुत एक्टिव था, ये नहीं सोया हुआ मिला हम लोग को, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग ने अच्छे काफ़ी देर तक रुके रहे हम लोग इसके लिए, टाइगर के लिए हम लोग गाइस काफ़ी ज़्यादा वेट किया, लेकिन टाइगर उठ के नहीं आया था, हम लोग निकल गए थे वहाँ से। चीता तो फिर भी एक्टिव था, तो हम लोग काफ़ी देर रुके यहाँ पे, उसके एक्शंस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे।
अभी तक तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव दिखा हम लोग को वो चीता ही दिखा, और इस टाइप के और एनिमल्स आने वाले हैं, और इन्होंने काफ़ी सारा न्यू चीज़ें ऐड करी है मेरी वीडियो में, आगे देखिएगा जो चीज़ें पहले नहीं थी अब ये वो सब चीज़ें भी ऐड की हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एनिमल देखा वो था स्पॉटेड डियर, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। काफ़ी सारा स्पॉटेड डियर सब शाम में बैठ के खाना खा रहे थे, इनका भी खाना खा अभी जस्ट इनका खाना डाला था। उसके बाद हम पेंगुइन को देखने के लिए आ गए। गाइस पहले पेंगुइन के लिए टिकट्स थे, अलग से लेने पड़ रहे टिकट्स, अभी लेकिन फ्री हो गया है, सबसे बेस्ट हो गया। और यहाँ पर उस टाइम ज़्यादा देर तक खड़े भी रहने नहीं देते थे, जैसे कि हमने पहले देखा होगा मेरी वीडियो में जो मैंने पहले रानी बाग का डाला था, उसमें लोग ज़्यादा टाइम खड़े भी नहीं रहने देते थे, सिर्फ आप देखो फटाफट निकल जाओ एग्जिट मार के। और इस बार लेकिन काफ़ी टाइम तक हम लोग को देखने के लिए मिला पेंगुइन्स को, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। और इस टाइप के आपको छोटे छोटे गार्डन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, हर प्लांट के बारे में इन्होंने अलग से इन्फॉर्मेशन लिखी, जैसे हर एनिमल के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है वैसे हर प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है। उसके बाद हम आ गए थे बर्ड पैराडाइज, ये पहले नहीं था गाइस, अभी ये न्यूली स्टार्ट हुआ है ये चीज़। आप देख सकते हैं हर बर्ड के बारे में, जैसे दूसरे एनिमल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है वैसे हर बर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है। और बर्ड्स का भी इंक्लोजर काफ़ी प्यारा लगा मुझे, जैसे बर्ड्स को आदत होती है या ट्री के ब्रांचेस से बैठने के लिए, तो उस टाइप के आर्टिफिशियल ब्रांचेस बनाए। आप देख सकते हो बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये बर्ड का पैराडाइज जो इन्होंने जो नाम रखा है। आप पैरेट्स भी देख सकते हैं, हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी पैरेट्स थे, मैं सब तो कैप्चर नहीं कर पाई लेकिन काफ़ी बड़ा था ये बर्ड पैराडाइज का इन्होंने बनाया था। ऊपर चढ़ के जाना पूरा वुडन का पूरा बनाया था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लगा गया, सबको ज़रूर चाहिए यहाँ पर, ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए एकदम। और पेंगुइन जैसा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और पेंगुइन वगैरह तो आपको कहीं और देखने के लिए मिलेगी भी नहीं। और आप देख सकते हो हर बर्ड के बारे में यहाँ पर अलग से इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आप देख सकते हो काफ़ी सारी बर्ड्स से काफ़ी प्यारी प्यारी लग रही थी वो। उसके बाद हम आ गए थे टर्टल देखने के लिए, और टर्टल के बाजू में टॉर्टाइज का भी था लेकिन वहाँ पे काम चल रहा था तो वो पूरा बंद था। उसके बाजू में स्नेक का भी था, स्नेक के यहाँ पे भी काम चल रहा था वो भी बंद था। काफ़ी सारी एनिमल्स के जो एनक्लोजर्स थे वो बंद रहते हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स आने वाले हैं। वैसे क्लिनलीनेस को भी लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, हर एनिमल का जो भी इंक्लोजर है काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड नीट है। जैसे पहले इतना क्लिनलीनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता था लेकिन अभी इस बार प्रॉपर खाना और क्लिनलीनेस वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ध्यान दिया है यहाँ के लोगों ने। गाइस हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है रानी बाग, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। जितना हो सका हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की, आपको दिखाने के लिए ट्राई किया। अभी जैसे हम एग्जिट ले रहे हैं, तब मैं आपको मिलूंगी इसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।